अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या सऊदी का सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि पहली अपडेट अभी बहुत ही अच्छी अपडेट है जो वीज़ा को लेकर है। सऊदी के किंग सलमान की तरफ से अभी एक नया अपडेट जारी किया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी में सफ़र करना चाहते हो तो फ्लाइट को लेकर भी अभी खुशखबरी दी गई है। तो दोनों अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप जरूर इस वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सऊदी की पहली अपडेट वीज़ा को लेकर है। अगर आप सऊदी का वीज़ा ले चुके हो, किसी भी देश में हो और सऊदी में एंट्री करना चाहते हो, तो अभी सऊदी के विदेश मंत्री ने और इसके साथ पवित्र मस्जिद के कस्टडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के निर्देश के अनुसार कहा गया है कि जितने भी आगंतुक वीज़ा हैं उनकी वैधता को यहां पर विस्तार कर दिया गया है। मतलब जितने भी विजिट वीज़ा थे, अगर वो सऊदी से निकले हुए थे तो उनका स्वचालित रूप से अभी जो रेनुअल है वो कर दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि 24 मार्च 2021 के पहले जितने भी देशों के लिए वीज़ा जारी किया गया था उनका ही अभी एक्सटेंड किया जाएगा जो भी वीज़ा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने किसी भी तरीके का वीज़ा लिया है सऊदी अरब से और किसी भी देश में रह रहे हो तो आपका वीज़ा यहां पर बढ़ाया गया है। आपको ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा, इसके साथ एक नमूना ई वीज़ा भी भेजा जाएगा जिसके तहत आपको बताया जाएगा कि आपका वीज़ा अब कब समाप्त होगा। तो अगर आप सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि जितने भी देशों में प्रतिबंध लगाया गया था अभी उन सभी लोगों के लिए जो वीज़ा जारी किया गया था वो वीज़ा एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों, अगली अपडेट फ्लाइट को लेकर है और ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि 20 से 26 दिसंबर की जो निर्धारित उड़ान थी उनको अभी बढ़ा दिया गया। मतलब 273 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभी बढ़ाई गई हैं। और अगर कुल संख्या की बात करें तो 2800 तक जो उड़ान है वो अभी पहुंच गई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि अब जो अतिरिक्त उड़ान है उसके अनुसार रोजाना 87,600 से अधिक सीट उपलब्ध कराई जाएंगी। हम आपको बता दें कि अगर आप सभी सेवाओं के लिए, मतलब जो भी वेबसाइट है उसके माध्यम से जानना चाहते हो जानकारी, तो आप www.saudia.com पर जाकर बाकी जो भी सेवा है उसके बारे में जान सकते हो। इसके साथ ये कहा गया है कि बुकिंग के साथ और जो भी सेवा है उसके लिए नंबर भी जारी किया गया है 9200-22222। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो व्यवस्थाएँ की गई है। बाकी जैसे नई अपडेट आती है हम आपको अपडेट करेंगे।